नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो बात करेंगे आज निफ्टी के बारे में और निफ्टी 50 में जितने भी 50 स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उन सब की हम आज एनालिसिस करेंगे। तो चलिए उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फाइनली देखिए, आज हमने एक लाइफ टाइम हाई जो आज एक दोबारा अगेन लगा दिया है। सेंसेक्स समझ लीजिए आज जो है बिल्कुल लाइफ टाइम हाई पे है, और जो हमने आज जो हाई लगाया वो 14215 का लगाया है। जो आज का निफ्टी का जो लो लगा वो 14050 के आसपास का लगा, तो मे बी हम यहां पर कह सकते हैं 160 पॉइंट से ज्यादा की हम जो हमने यहां पर तेजी देखी है। तो चलिए अब देखिए, हम बात करेंगे कि कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेडिंग प्लान क्या है निफ्टी के बारे में, और निफ्टी में जो भी स्टॉक्स हैं 50 स्टॉक्स उन सब के ट्रेडिंग प्लान के बारे में हम चर्चा यहां पर करेंगे। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, मैं यहां पर सारे स्टॉक्स की एनालिसिस आपको करके बताने वाला हूं, सो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो फाइनली मैंने देखिए यहां पर 15 मिनट का चार्ट लगा लिया है और अब हम यहां पर 15 मिनट के चार्ट में आ गए हैं। तो फाइनली देखिए, मैंने आप लोगों को निफ्टी की मैंने कॉल भी दी थी अपने पब्लिक चैनल पर, तो वहां से निफ्टी में कोई ज्यादा बड़ा प्रॉफिट वहां पर नहीं हो पाया, 1:2 का प्रॉफिट हुआ था। बट जो स्टूडेंट्स लोगों को जो कॉल दी थी वहां पर जो है 1:7 का प्रॉफिट हुआ था निफ्टी में। निफ्टी में दो तीन ट्रेड और बनाए थे, चलिए वो ट्रेड की चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले हम अपने स्टॉक्स की एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए, अभी जो पिछला हाई लगा हुआ था 14150 के आसपास का, तो फाइनली देखिए यहां से जब निफ्टी ने क्रॉस किया है तो यहां से एक जबरदस्त हमको यहां पर तेजी देखने को मिली है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कि यहां पर अब कौन सा ऐसा पैटर्न बन रहा है कि जिसको हमको फॉलो करना चाहिए, जिसपे हमको नजर बनाकर रखनी चाहिए। तो देखिए, मैंने इस तरह से एक ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ की है। देखिए एनालिसिस को ध्यान से देखिएगा जो मैं आप लोगों को करके बताने जा रहा हूं यहां पर। ये देखिए, एक मैंने चैनल ऊपर की तरफ ड्रॉ कर लिया है और एक मैं आप लोगों को इस तरह से यहां पर नीचे की तरफ मैंने ड्रॉ करके दिखा दिया। तो अब ध्यान से देखिए, यहां पर 15 मिनट के चार्ट में हम एक चैनल में काम कर रहे हैं। चैनल मींस देखिए, हम नीचे से ऊपर के चैनल को टच कर रहे हैं और नीचे की तरफ आ रहे हैं। फाइनली नीचे के चैनल को टच करके ऊपर की तरफ, मतलब लोअर चैनल और अपर चैनल के बीच में अभी हम यहां पर काम कर रहे हैं। तो फाइनली देखिए, अब इस टाइम जो जहां पर हम खड़े हैं, जो हमारा हाई लगा हुआ है 14215 का, तो वो देखिए एक हमको यहां पर एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, एक हर्डल हमको दिखाई दे रहा है। अब हम जब तक 14220 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं लेते तब तक अभी हमको लॉन्ग नहीं जाना चाहिए। अकॉर्डिंग चार्ट, मतलब जो चार्ट का जो पैटर्न हमको यहां पर बता रहा है वो यही बता रहा है कि फिलहाल ये रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है और मे बी यहां पर कल मार्केट में कुछ हमको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और प्रॉफिट बुकिंग के बाद देखिए, मार्केट अगर हमको कहीं आसपास यहां पर मिलता है 14150 के आसपास, मींस अगेन सेम लेवल पर मिलता है, तो हमको यहां पर कल बाइंग करनी चाहिए। दूसरा, मैं एक आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन यहां पर ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ये देखिए, मैंने यहां पर इस तरह से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है। अब देखिए यहां पर क्या है, अब मैं इसको ब्लैक कर देता हूं और इसको ध्यान से देखिएगा एनालिसिस को। दूसरा देखिए, अब यहां से देखिए जो एक पैटर्न जो बना हुआ है, कैंडलस्टिक पैटर्न जो है, इसको देखिए हम कहते हैं एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न में आता है, इसको हम शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। और इस तरह के जो पैटर्न कभी भी रेजिस्टेंस पर बनते हैं, इस तरह की कैंडल जब बनती है तो वहां से एक डाउनफॉल हम देख सकते हैं। तो मे भी ध्यान रखिएगा, यहां से कल निफ्टी में 50 से 60 पॉइंट की यहां पर गिरावट हो सकती है, इसका जो है अनुमान मैं लगा रहा हूं। 50 से 60 पॉइंट यहां पर निफ्टी कल नीचे की तरफ आ सकता है। तो देखिए कल हमको क्या करना है, कल यहां पर अगर 14200 के नीचे क्लोज करना चालू करता है तो हम यहां पर जो है 14150 की पुट लेकर काम कर सकते हैं, पुट बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहां पर ऑप्शन सेलर हैं तो आप यहां पर जो है 14250 की कॉल यहां पर सेल कर सकते हैं। दूसरा देखिए, अब यहां पर मान लीजिए गैप अप, गैप डाउन और जो है फ्लैट ओपनिंग में हमको क्या करना है, तो अगर यहां पर फ्लैट ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद फाइनली ये लेवल ब्रेक करता है। देखिए मैं आप लोगों को चीजें मैं करके बता देता हूं, कुछ चीजें समझ में आएंगी। देखिए मान लीजिए मार्केट यहां पर होती ओपन होती है और ओपन होने के बाद फ्लैट ओपन ऐसे करने के बाद फाइनली यहां पर ब्रेक होता है, तो मे बी हम यहां पर नीचे से ब्रेकआउट देख सकते हैं। दूसरा देखिए, हमको यहां पर क्या करना है, अगर मान लीजिए अब यहां पर कोई गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है और कहीं इसके आसपास हमको लेवल मिलता है 14150 के आसपास मिलता है, तो ये हमारा एक बाइंग जोन है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्लियर कट, ये हमारा एक बाइंग जोन है, क्योंकि देखिए ये पहले रेजिस्टेंस था, अब रेजिस्टेंस हमारे सपोर्ट बन चुका है, अब ये सपोर्ट की तरफ बिहेव करेगा। जब भी मार्केट यहां पर आएगी 14150 के आसपास आएगी, अगेन यहां से बाउंस बैक करने की कोशिश करेगी। अब मान लीजिए गैप अप ओपनिंग में क्या करना है, गैप अप ओपनिंग में मान लीजिए जो ये पैटर्न यहां पर बना हुआ है, चैनल असेंडिंग चैनल पैटर्न, इसको हम टेक्निकल एनालिसिस की लैंग्वेज में बोलते हैं, तो असेंडिंग चैनल पैटर्न का अगर ब्रेकआउट होकर गैप अप ओपनिंग यहां पर हो जाती है, तो हम वहां पर एक प्राइस एक्शन के बिहेव पे हम यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज हम एक वेट करेंगे 5 मिनट की कैंडल का, अगर वो 5 मिनट की कैंडल में विक छोटी होंगी या विक नहीं होंगी तो उस कैंडल के हाई के ऊपर हम वहां पर ट्रेड डाल सकते हैं, उस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगाकर। तो चलिए अब चलते हैं निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में अब चर्चा करते हैं।
देखिए पहला स्टॉक है हमारा जो अडानी पोर्ट। तो अडानी पोर्ट ने फाइनली देखिए, मैंने आप लोगों को ये ब्रेकआउट स्टॉक्स में भी दिया था 480 के ऊपर, फाइनली देखिए यहां पर ब्रेकआउट हुआ। और ब्रेकआउट होने के बाद अभी जो उसका हाई लगा 510 का, तो यहां पर 510 के ऊपर कल हम इंट्राडे में ट्रेड बना सकते हैं, टारगेट 515 और 520 के लिए। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एशियन पेंट। तो एशियन पेंट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 दिन से लमसम एक सेमी हाई यहां पर बन रहा है। तो यहां पर देखिए 2800 का जो एक लेवल है, इस लेवल के आसपास जाकर बार बार हर्डल ले रहा है और 2800 के लेवल के से ही बार बार जाके यहां पर रिवर्स हो रहा है। तो फाइनली एक बार यहां पर 2800 के ऊपर की क्लोजिंग आने के बाद हम यहां पर 2825 और 2850 के टारगेट के लिए जा सकते हैं। एक्सिस बैंक, तो मैंने बैंकिंग की वीडियो बना दी है, बैंकिंग की वीडियो आप जाके देख लीजिएगा, उसमें मैंने सभी बैंकों की एनालिसिस करके बताया हुआ है। बजाज ऑटो, बजाज ऑटो को अभी हम इसको देखेंगे हम 3500 की क्लोजिंग के ऊपर, फिलहाल अभी इसमें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट है हमारा बजाज फिंजर्व। तो बजाज फिंजर्व देखिए अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो मैंने एक इस तरह से रजिस्टेंस लाइन यहां पर ड्रॉ करके रखी हुई थी और ये रजिस्टेंस लाइन इसके लिए एक हर्डल था। ये रजिस्टेंस था देखिए 5400 के लेवल के आसपास, ये 5400 का लेवल अभी क्रॉस नहीं कर पा रहा है। अगर मैं यहां से नीचे से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं इस तरह से, सॉरी मैं यहां पर एक ट्रेंड लाइन आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाता हूं, तो ये ट्रेंड लाइन को अभी फॉलो करके चल रहा है और मे बी देखिए ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास ही है। मे बी यहां पर कल कोई डोजी कैंडल बन सकती है, उसके बाद मे बी यहां से बाउंस बैक हो सकता है। चलिए उसको हम कल देखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस देखिए फाइनली एक रेंज में काम कर रहा है, अब हमको यहां पर रेंज के ब्रेकआउट होने का वेट करना है। रेंज का ब्रेकआउट जिस तरफ भी होता है, ऊपर की तरफ होता है तो हम बाइंग के लिए जाएंगे, नीचे की तरफ होता है तो हम सेलिंग के लिए जाएंगे। तो फिलहाल अभी जो है बजाज फिंजर्व में यहां पर अभी ब्रेकआउट होने दीजिए और यहां से मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे देगा, या फिर ये चैनल का ब्रेकआउट ना भी हो, इस रेंज का ब्रेकआउट ना भी हो, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर यहां पर अगर क्लोजिंग देता है तो हम यहां पर बाइंग के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा बीपीसीएल। तो बीपीसीएल में देखिए यहां पर एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था, फाइनली यहां से बाउंस बैक हुआ। अब ये जो ऊपर से ट्रेंड लाइन जो आ रही है ब्लैक कलर की, तो हमको यहां पर 400 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, 400 रुपए की ऊपर की क्लोजिंग इसको 420 और 430 तक लेकर जा सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा भारतीय एयरटेल। तो भारतीय एयरटेल के देखिए कंटिन्यू 525 का लेवल हर्डल बना हुआ है, 525 का लेवल यहां पर क्रॉस होता है तो यहां पर टारगेट हम एक 550 के आसपास का टारगेट देखने वाले हैं। तो फाइनली देखिए यहां पर ट्रेंड लाइन के आसपास आकर बार बार बाउंस बैक कर रहा है और यहां पर एक फाइनली एक डोजी कैंडल बनी हुई है। अब देखिए यहां पर हमको सिर्फ वेट करना है कि यहां पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो या फिर इसका रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो। अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है और 500 के नीचे की क्लोजिंग करता है तो हम यहां पर सेल के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज यहां पर जो है 525 की क्लोजिंग के ऊपर यहां पर हम बाइंग के लिए देखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा ब्रिटानिया। तो ब्रिटानिया को ब्रिटानिया मेरा भी कोई व्यू नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक है मेरा सिप्ला। तो सिप्ला देखिए यहां पर फाइनली एक रेजिस्टेंस लेवल इसका था 835 के आसपास का, 835 की जब तक ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक यहां पर बाइंग के लिए मत देखिए। फिलहाल यहां पर जो कैंडल बनी हुई है शूटिंग स्टार कैंडल बनी हुई है रेजिस्टेंस लेवल के आसपास, मे बी यहां से अगर कल ये नीचे की तरफ निकलता है, 825 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हम यहां पर देखिए 818 और 810 का लेवल यहां पर देख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या इसमें हो सकता है, सिप्ला देखिए यहां पर इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए आ सकता है और मे बी इस यहां पर जो सपोर्ट है इसका 817 का, 817 के आसपास से भी यहां से बाउंस बैक हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा डिविस लैब। तो डिविस लैब के लिए देखिए ये जो हर्डल बना हुआ है, ये हर्डल है देखिए 3875 का, तो ये 3875 का लेवल निकालता है फिर हम यहां पर बाइंग के लिए देखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा डॉक्टर रेड्डी। तो डॉक्टर रेड्डी देखिए 3 महीनों से ज्यादा का समय गुजर चुका है बट यहां पर देखिए फाइनली यहां पर ब्रेकआउट अभी नहीं आ रहा है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर जब भी ब्रेकआउट आएगा हम क्लियर कट यहां पर 500 पॉइंट की मूव देखने वाले हैं। 5300 की क्लोजिंग के ऊपर जैसे ही ये होगा, 5300 की क्लोजिंग ऊपर आती है तो हम यहां पर बाइंग के लिए जाएंगे। यहां पर बहुत शार्प मूव आने वाली है, ध्यान रखिएगा, फार्मा स्टॉक्स में नजर बनाकर रखिएगा, फार्मा स्टॉक्स बहुत अच्छा करने वाले हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आइशर मोटर। तो आइशर मोटर देखिए यहां पर गैप अप कल ओपन हुआ था और आज भी देखिए उसी लेवल के आसपास कहीं ट्रेड करता रहा। अब इसके लिए जो देखिए रेजिस्टेंस लेवल है वो 2700 का है, 2700 का लेवल यहां पर क्रॉस करता है तो हम यहां पर 2750 और 2800 का लेवल देखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा ग्रासिम। तो ग्रासिम में देखिए फाइनली यहां पर ब्रेकआउट हो चुका है, अब यहां पर अगर बाइंग करना चाहते हैं 970 के ऊपर बाइंग कर सकते हैं। इंट्राडे का टारगेट 979, 990 और 1000 का है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एचडीएफसी बैंक। तो बैंकिंग की वीडियो बनाई हुई है, उसको जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एचडीएफसी लाइफ। तो फाइनली यहां पर देखिए कल मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी लाइक ये स्टॉक मैंने रिकमेंड किया है इसको देखिए, क्योंकि कल देखिए क्यों रिकमेंड किया मैंने आपको बताता हूं। अब यहां पर देखिए हम ध्यान से देखें तो एक रेंज बन रही थी और रेंज के बाद फाइनली यहां पर कल 4 जनवरी को यहां ब्रेकआउट हो गया था। अब ब्रेकआउट का जो देखिए जो क्लोजिंग आई थी वो क्लोजिंग देखिए 695-96 के आसपास
पास आई थी। तो यहां पर मैंने 700 रुपए की क्लोजिंग के ऊपर यहां पर बाइंग के लिए बताया था। फाइनली देखिए आज जो है 713 का इसने हाई लगाया है, यहां पर टारगेट हमारा 750 का है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा हीरो मोटोकॉर्प। तो हीरो मोटोकॉर्प में देखिए फिलहाल अभी मेरा कोई व्यू नहीं है, क्योंकि कंटिन्यू देखिए एक ही जगह काफी दिनों से सस्टेन कर रहा है। अभी इसको या तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने दीजिए या फिर इस लेवल के 2950 के नीचे आने दीजिए, फिर इसमें हम अपना कोई व्यू बनाएंगे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आईटीसी। तो आईटीसी को देखिए यहां पर जो अभी इसके लिए हर्डल है ऊपर का, जो अभी यहां पर हर्डल है देखिए 220 का, 220 का लेवल यहां पर निकालेगा तो हम यहां पर क्लियर कट 235 का लेवल हम यहां पर देखेंगे। अदरवाइज देखिए मैं आप लोगों को एक चीज यहां पर दिखा दूं, यहां से देखिए मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। अब ये ट्रेंड लाइन देखिए इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दी है। अब अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर ये ट्रेडिंग करना चालू कर देता है तो हम यहां पर मे बी 200 के लेवल तक आ सकते हैं, नजर बनाकर रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आईओसी। तो आईओसी को देखिए आप जो है 94 के ऊपर बाइंग कर सकते हैं। इंट्राडे का टारगेट हमारा 95 और 96 का है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा इंफोसिस। इंफोसिस देखिए कल ब्रेकआउट के बाद आज भी जो है कंटिन्यू ऊपर की तरफ सस्टेन करता रहा। अभी यहां पर हम जो बाइंग करेंगे 1295 के ऊपर बाइंग करेंगे 1310 रुपए के टारगेट के लिए। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एलटी। तो एलटी में देखिए अभी यहां पर देखिए एक रेजिस्टेंस लेवल इसके लिए था, ये रेजिस्टेंस लेवल इसने क्रॉस भी किया है। और देखिए फाइनली यहां पर हम ध्यान से देखेंगे तो हमको यहां पर एक ट्रायंगल पैटर्न टाइप का दिख रहा था, तो ये ट्रायंगल पैटर्न था, ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट किया जो इसका हाई लगा हुआ है यहां पर 1324 का लगा हुआ है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये जब 1340 रुपए के ऊपर निकलेगा तो यहां पर एक बहुत शार्प मूव आने वाली है, तो यहां पर नजर बनाकर रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एमएनएम। तो एमएनएम देखिए यहां पर हम इसको बाय करेंगे 750 रुपए की क्लोजिंग के ऊपर, टारगेट हमारा होगा 760 रुपए और 770 रुपए। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एनटीपीसी। तो एनटीपीसी में फिलहाल देखिए 100 रुपए के नीचे का स्टॉक है, मैं इसको फिलहाल नहीं देखता हूं। देखिए मैं 500 रुपए के ऊपर के स्टॉक को ही ज्यादा मैं प्रेफर करता हूं, 500 रुपए के नीचे के स्टॉक को मैं ज्यादा प्रेफर नहीं करता हूं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा नेस्ले। तो नेस्ले देखिए यहां पर एक टाइम यहां पर लग रहा था कि यहां पर ब्रेकआउट हुआ है, बट यहां पर ब्रेकआउट फेल हुआ और अगेन जो है इस ट्रेंड लाइन के आसपास है। अब ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेकर यहां से बाउंस बैक कर सकता है, 18650 के ऊपर निकलता है तो हम यहां पर टारगेट जो है 18850 का देखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा ओएनजीसी। ओएनजीसी जाने दीजिए। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा पावर ग्रिड। पावर ग्रिड भी नहीं देखना है। नेक्स्ट स्टॉक है रिलायंस। तो रिलायंस देखिए काफी दिनों से, अब हम अगर यहां पर ध्यान से देखें तो हम नवंबर, दिसंबर और ये जनवरी, अब ये मीन्स 2 महीने से ऊपर का टाइम हो चुका है और हम कंटिन्यू इसी लेवल के आसपास हम घूम रहे हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जैसे ही हम इस रेड कलर की ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेंगे तो हमारा टारगेट यहां पर 2300 का रहने वाला है। मीन्स ये अगर हम 2000 या 2100 के ऊपर अगर हम क्लोज करना चालू करते हैं तो हम 200 पॉइंट्स की मूव हम बहुत फास्ट देखेंगे। फिलहाल इंट्राडे में इसमें कुछ मत करिए, क्योंकि यहां पर देखिए ध्यान से चीजें देखिए, यहां पर ये जो कैंडलें आप देख रहे हैं यहां पर सिर्फ ये स्टॉप लॉस हंटिंग की कैंडलें बन रही हैं और कुछ नहीं है। अगर आप इसमें ट्रेड कर रहे हैं तो आप यहां पर अपना स्टॉप लॉस यहां पर देंगे और यहां पर कुछ नहीं होने वाला है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एसबीआई लाइफ। तो एसबीआई लाइफ देखिए ये जो हर्डल इसके लिए था 875 का, एक जो इसका रेजिस्टेंस था, फाइनली 875 को इसने ब्रेक किया है और कंटिन्यू ऊपर की तरफ है। अब यहां पर 910 के ऊपर की क्लोजिंग हमको चाहिए ऊपर की तरफ जाने के लिए। अगर ये 910 के ऊपर क्लोज नहीं करता है तो फिलहाल इसमें जो है एक सेलिंग का प्रेशर भी हम यहां पर देख सकते हैं। देखिए जो 910 का जो यहां पर लेवल है वो एक रेजिस्टेंस एरिया भी है, क्योंकि फिलहाल देखिए यहां पर एक बार पहले भी मार्केट यहां पर जा चुकी है। मैं इसको चार्ट को बड़ा करता हूं, यहां पर ध्यान से देखिए, यहां देखिए एक बार पहले भी मार्केट जाके यहां से रिवर्स हो चुकी है और फिलहाल अगेन अब इसी लेवल के आसपास है। सो यहां पर डबल टॉप पैटर्न यहां पर एक्टिव हो सकता है और मे बी मार्केट यहां पर नीचे की तरफ आ सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा श्री सीमेंट। तो श्री सीमेंट के लिए देखिए यहां पर एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखी हुई है और यहां पर जो कैंडल हमने देखी 30 दिसंबर की कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया था ट्रेंड लाइन का और उसके बाद कंटिन्यू उसके अपने हाई को क्रॉस नहीं कर पाया। अब इसका देखिए जो 24700 या 24800 का मान के चलिए, 24800 के ऊपर जैसे ही ये क्लोज करता है वैसे इसमें हम एक शार्प मूव देखने वाले हैं, तो नजर बना के रखिएगा 24800 की क्लोजिंग के ऊपर। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा सन फार्मा। तो सन फार्मा को हम बाय करेंगे 610 रुपए के �ुपर, टारगेट यहां पर हमारा होगा 616 रुपए, 622 रुपए और 628 रुपए। नेक्स्ट स्टॉक है टीसीएस। फाइनली ब्रेकआउट यहां पर हो चुका है, देखिए असेंडिंग चैनल यहां पर हमने ड्रॉ करके रखा हुआ था और ये असेंडिंग चैनल का देखिए यहां पर ब्रेकआउट हो गया है और ब्रेकआउट के बाद यहां पर क्लियर कट था। देखिए जैसे आज की हाई क्रॉस करेगा यहां पर हम अच्छी मूव हम देखने को यहां पर मिलेगी। मैंने जो है कल अपने स्टूडेंट्स लोगों को भी बताया था, यहां पर 3050 के ऊपर हमने एक्सपेक्ट किया था कि हमको जो टारगेट यहां पर 3100 का मिलेगा, फाइनली 3100 का टारगेट हमको मिल गया। अब कल क्या करना है, कल अगर 3100 के ऊपर निकलता है तो हम यहां पर जाएंगे 3140 रुपए के टारगेट के लिए।
चलिए हम अगले स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स ने फाइनली देखिए यहां पर आज ब्रेकआउट हो गया है, और ब्रेकआउट के बाद देखिए यहां पर सबसे पहले जो ब्रेकआउट हुआ एक डोजी कैंडल बनी, डोजी कैंडल के बाद फाइनली आज जो एक कैंडल ये बनी है इसमें देखिए प्रॉपर फुल आपको यहां पर बायर दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहां पर नीचे की तरफ भी टाटा मोटर्स आया था 185 तक, बट यहां से बायर्स अगेन यहां पर एक्टिव हो गए थे। अब यहां पर जो बाइंग करनी है वो 194 के ऊपर हम यहां पर बाइंग कर सकते हैं। टारगेट हमारा यहां पर 195, 197 और 200 का यहां पर होने वाला है। नेक्स्ट स्टॉक हमारा टेक महिंद्रा। तो टेक महिंद्रा देखिए यहां पर एक हमारे इनसाइड कैंडल की स्ट्रेटजी में ये जो है अच्छा बैठ रहा है, तो यहां पर बाइंग हम कर सकते हैं 1010 के ऊपर। 1010 के ऊपर निकलते हैं तो 1020 और 1030 का टारगेट हम यहां पर कल देख सकते हैं। फाइनली देखिए यहां पर हमारे पास अगला स्टॉक आ गया है टाइटन। तो टाइटन देखिए ये हमारा एक जबरदस्त स्टॉक है और एक हमारा फेवरेट स्टॉक की लिस्ट में भी आता है। ये देखिए मैंने नियर अबाउट 1208 के पास से यहां पर हमारी होल्डिंग चल रही है और ये देखिए 1500 के आसपास पहुंच चुका है। अब यहां पर देखिए यहां से देखिए 1 2 3 4 अब ये 4 दिन की जो यहां पर हम हाई देख रहे हैं वो लमसम सेम ही हाई यहां पर बना रहा है और कंटिन्यू देखिए इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। अब 1580 के ऊपर की क्लोजिंग जो है इसको काफी 1600 और 1650 के आसपास लेकर जा सकती है, नजर बनाकर रखिएगा। यहां पर जब ब्रेकआउट होगा एक बहुत तेजी से ब्रेकआउट होगा तो यहां पर नजर बना के रखिएगा। देखिए 5 मिनट की कैंडल या 15 मिनट की कैंडल को 1580 के लेवल के ऊपर क्लोज होने दीजिएगा, उसके बाद वहां पर आप जो है इंट्राडे ट्रेड बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा यूपीएल। तो यूपीएल में फिलहाल अभी कुछ नहीं करना है, यूपीएल को रहने दीजिए, इसमें मेरा कोई व्यू नहीं है अभी। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा अल्ट्राटेक सीमेंट। तो अल्ट्राटेक सीमेंट देखिए यहां पर एक जबरदस्त यहां पर पैटर्न मेरे को दिख रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट में यहां पर नजर बना के रखिए, फोकस पे रखिए, इसको अपने रडार पर रखिए। यहां पर कंटिन्यू देखिए 5 दिनों से सेम हाई यहां पर बन रहा है। यहां पर जो इसका देखिए हाई जो लगा हुआ था, यहां पर हाई लगा है 5400 का। अब हमको वेट करना है सिर्फ 5400 का यहां पर लेवल ब्रेक होने का। 5400 का यहां पर लेवल जैसे ब्रेक होगा हम यहां पर जबरदस्त 200 पॉइंट्स की मूव हम यहां पर बिल्कुल वन साइडर देखने वाले हैं। तो यहां पर ध्यान बना के रखिएगा 5400 की क्लोजिंग के ऊपर हम यहां पर 5600 रुपए बिल्कुल क्लियर कट जाने वाले हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा विप्रो। तो विप्रो ने भी आज देखिए फाइनली एक बहुत जबरदस्त मूव दी है। देखिए ब्रेकआउट तो यहां पर कल ही हो चुका था, यहां पर जो है 396 के ऊपर हमने यहां पर बताया था बाइंग के लिए, और फाइनली यहां पर जो आज का हाई लगा है 410। अब हमको देखिए यहां पर जो बाइंग करनी है इंट्राडे में, अगर बाइंग करनी है तो 407 रुपए के ऊपर, जब 407 रुपए के ऊपर नहीं गिरेगा तब हम यहां पर बाइंग करेंगे। तो फाइनली देखिए अब हम चलते हैं निफ्टी में। तो निफ्टी में देखिए जो है कंटिन्यू हम यहां पर देख रहे हैं कि हमको एक तेजी ही कंटिन्यू हमको यहां पर मिलती जा रही है। कंटिन्यू हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो यहां पर बनाते जा रहा है। तो अब जो है एक्सपेक्ट जो हम यहां पर कर रहे हैं, अगर इस असेंडिंग चैनल को ये ब्रेक करेगा तो अगेन हम जो है देखिए हम टारगेट निकाल लेते हैं 1480 14 मे बी हम यहां पर 100 पॉइंट्स की मूव अगेन देखेंगे। अगर ये असेंडिंग चैनल पैटर्न को ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ तो हम ऊपर की तरफ 100 पॉइंट्स और देख सकते हैं, बट यहां पर जो पैटर्न बता रहा है असेंडिंग चैनल तो यहां पर कल कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, नजर बनाकर रखिएगा। बाकी चीजें मैं आप लोगों को कंटिन्यू टेलीग्राम चैनल में अपडेट करता रहूंगा। आज भी मैं आप लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी की सारी कॉलें वहां पर मैं कंटिन्यू दे रहा था, चार्ट पोस्ट कर रहा था। देखिए टेलीग्राम चैनल में मैं आप लोगों को इंट्राडे में कंटिन्यू बताते रहता हूं कि कौन से सपोर्ट अभी काम कर रहे हैं या फिर कौन से रेजिस्टेंस पे मार्केट इस टाइम खड़ी है या कौन सा ट्रेंड लाइन, मतलब मैं सारी चीजें आप लोगों को वहां पर अपडेट करते रहता हूं। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।